तुसी देख रहे हो मालवा एम बी टीवी ते मैं गुरविंदर सिंह रोमी रेड्डी का रूप धारण कर गया मंडल प्रधान का ताजपोशी समागम। तस्वीर तुसी देख रहे हो ताजपोशी समागम दे विच उचेचे तौर पर विधानसभा हलका संगरूर दे भाजपा के इंचार्ज अरविंद खन्ना अते भाजपा जिला प्रधान रणदीप सिंह दियोल पहुँचे ने। एक ताजपोशी समागम रखा गया, तुहानू तस्वीरां दे विच नज़र आउणगे। जगदीप सिंह मिंटू तूर, परशोत्तम कंसल, जगदीप सिंह गग्गू तूर, कपिल गर्ग, प्रमोद कुमार, पिंकी मनजिंदर, कपियाल, गमी कल्याण, रिंपी शर्मा, गुरतेज झनेरी अते नाल ही नज़र आउणगे मैडम गीता शर्मा। तस्वीरां दे विच देख रहे हो कि जिला प्रधान संबोधन कर रहे ने, एक वड्डी प्राप्ति दस रहे ने, क्योंकि जिक्रयोग है पिछले समय दे विच रणदीप दियोल होण या उस तो पहला भाजपा के जिन्हें भी प्रधान बने ने बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती रही है ते अज हौसले बुलंद नज़र आ रहे ने। तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे ने जगदीप सिंह मिंटू तूर, उन्हां दे नाल मंगल शर्मा जी भी नज़र आ रहे ने। अज ताजपोशी समागम रखा गया, अरविंद खन्ना जी पहुँचे ने, संबोधन कर रहे ने, तुहानू सुनाउने आ, मुबारकबाद दे रहे ने। गुरतेज झनेरी जी भी अपने आओ सुनते हैं। हकीकत की है कि तुसी सिर्फ ऐलान करना चाहते हो या तुसी एवे ही नौटंकी करना चाहते हो? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की जमीन है, वो कहते आप जमीन देने तैयार है। भगवंत मान कहता नहीं जमीन तो तेरी है नहीं, एक बंदे दी है। गुरुद्वारा कमेटी कहते वो है नहीं है जमीन साड़ी। चलो मैनू की जमीन है, जब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी तुहानू जमीन देने लिए तैयार है, लेके तुसी समझौता करके काम करो, लोगों का भला करो। पर ना याद है भगवंत मान साहब नू हंकार पै गया कि हर एक चीज हो किसी दे नाल। ते साडे डिस्ट्रिक्ट दे प्रधान रणदीप दियोल जी ते साडी डिस्ट्रिक्ट दी लीडरशिप ते लोकल लीडरशिप जिन्हां ने मैनू अज मतलब इस प्रोग्राम असीं रख्या सी जो मैनू आशीर्वाद देण लई इत्थे विरा आए सी, ते मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा ते अपनी लोकल सारी जिहड़ी बीजेपी दी लीडरशिप है उसका भी, ते इत्थे आए सारे जन समूह का भी। ते मैं सारिआं नू इस गल का विश्वास भी दवाना भी जो इन्होंने मैं इस अहदे ते विराजमान किया जो अहदा मैं ये सौंपे है, मैं इस अहदे की पूरी तरह मतलब धनदेही नाल इस अहदे का मान सन्मान करांगा। ते अपनी लीडरशिप नू ये विश्वास दवाना कि मैं अपनी पार्टी नू शहर दे विच मतलब सर्कल दे विच पूरी तरह नाल मजबूत करन दी कोशिश करांगा ते मजबूत करांगे असीं इस नू रल के मिल के सारे। कुर्सियां तो सारे नू पता ही है जी, बीजेपी का जिहड़ा पार्टी का ग्राफ है वह दिनों दिन बढ़ रहा है जी, तो लोग बीजेपी नू पसंद कर लग गए ने, पसंद कर भी रहे ने। तो पार्टी की जिहड़ी लीडरशिप है वह बहुत वधिया लीडरशिप है, श्री अरविंद खन्ना जी का जिहड़ा हैगा वह तुसीं उन्हां नू भली भांत जान दिओ किन्ने ईमानदार ते अच्छे लीडर हैं जी, हर वर्कर नू हर उस नू अपने नाल जोड़ के चलते हैं। बाकी मेरा भी मान सम्मान जो मेरे परिवार ने, मेरे मोहल्ले ने, शहर निवासियां ने, वो मेरा भी लोगों ने इन्ना प्यार इन्ना सहजार है कि लोग मैनू मान सम्मान मेरे परिवार को देंदे हैं, इस करके हुण तुहानू बाकी तुहानू जान समूह देख के पता ही लगे कि लोग इन्ना प्यार करते हैं जी। बहुत खुशी है और मैनू बहुत उम्मीद है कि शैली बहुत तकड़े होकर इतने काम करेगा, सारे नू नाल जोड़ के काम करांगे। साडे इंद्रजीत भी हैगे, साडे साबका सर्कल के प्रधान साहब, सारे मिल के काम करांगे और पार्टी नू तकड़ा करांगे। तुसी देख रहे हो कि बीजेपी भवानीगढ़ दे सारे जो वड्डे लीडर हैं सारे इत्थे इकत्तर होए हैं इन्हू शाबाशी देने वास्ते, ते मैनू यकीन है कि इन्हें बहुत तरीके नाल इन्हें काम करना है और पार्टी नू इस इलाके दे विच तकड़ा करना। जलंधर की जिमनी चोण होने की तैयारियां तकरीबन लगता उम्मीद होएगी, तो फिर किवें लैके चलोंगे कि आम आदमी पार्टी कहती भी नौकरियां 25,000 दित्तियां ने या होर वैदे ने, तुसीं किस लिए सोचते इस चीज़? आम आदमी पार्टी तो बहुत सारी चीज़ा कहती है और कहती सी, गल यह है कहने कहन दे विच और करन दे विच बहुत फर्क है।
आम आदमी पार्टी पंजाब की जो सरकार जिन्हों की सरकार है उन्होंने पिछले 10 महीने पंजाब के वास्ते कुछ नहीं किया, पंजाब के लोगों वास्ते कुछ नहीं किया। और अज पंजाब के लोगों इस गल ते यकीन है कि इन्हों इस सरकार तो कुछ नहीं मिलना। यह सरकार पिछले 30 साल की जो सरकार आई है उस तो भी माड़ी सरकार गिनती आएगी। जिमनी चौ जीरे की बंद कही जीरे फैक्ट्री बंद की गई है सरकार वालों, पर उन्होंने मालक कहते भी सानू कोई नोटिस नहीं मिले, थोड़ा किमें लगता इस चीज़? देखो ये बहुत वड्डी साजिश है क्योंकि हकीकत किसी नहीं पता। तुसी सोशल मीडिया से देख सकते हो, पत्रकार साहिबान ने पंजाब के पत्रकारों ने ये बारे बहुत सारी चीज़ा लिखी हुई हैं। सीचेवाल साहब जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मैंबर है और पंजाब के एनवायरमेंट के मैं कहता एक बहुत व्डे बुलारे हैं, उन्होंने 2-4 महीने पहला एक बयान दिता और उन्होंने नाल अमन अरोड़ा साहब जो सरकार के मंत्री है कि जिते दोनों ने कहा कि जीरा दी प्लांट दे विच कोई गलती नहीं है, उन्हों का पानी का निकास बिल्कुल सही है और वो जमीन के पानी नहीं खराब करती, इन्हों का बयान है, वीडियो से बयान है। NGT ने रिपोर्ट दी है, सरकार कहती सी सानू कि NGT ने रिपोर्ट दी है, जिथे NGT की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के जीरा का प्लांट कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा, तो एकदम से तुसी बंद करता। सच्चाई किसी को नहीं पता। पंजाब की सब तो वड्डी जो समस्या ये है कि जो आज जो मौजूदा सरकार है वो डिसीजन लेंदी है, वो फैसले लेंदी है, पर उस फैसले का हकीकत से सच्चाई किसी को नहीं पता लगता। सर जो तो किसानों ने लंबे समय तो धरना ला रखे, किस वास्ते ला रखे? मैं आप पूछ रहा, देखो जे तुम बयान दे रहे हो कि NGT की रिपोर्ट कहती है कि इसे पोल्यूशन नहीं हो रहा तो फैक्ट्री क्यों बंद की है, और जे तुम कह रहे हो कि जे पोल्यूशन कर रही है तो 6 महीने लगे तो इस गल सिरे चढ़ाने वास्ते। जे मेरी फैक्ट्री के कोई कमी पेशी है पोल्यूशन प्रति तो मैंने तो 2 मिनट से पता लग जूगा सरकार को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कर रहा है, सुता पिया से या किसी ने उन्होंने रिश्वत दी सी। यह गल 6 महीने नहीं लगते इस गल सिरे चढ़ाने वास्ते। और अज मैं यह दसो जो 1200 उत्थे बंदे बच्चे रोजगारी करते उन्होंने रोजगारी बारे की होना, ये बारे भी सानू सोचने की लड़ है। मैं ना फैक्ट्री के चलन के हक च है ना बंद कराने के हक च है, मैं तो सच्चाई के हक च है कि सच्चाई की है, अज तक सानू सच्चाई नहीं पता लगी। मनप्रीत बादल जी आए ने, भगवंत मान ने कल कहना खाली पीपे लेके अज इतने आए थे, कल हूँ उधर चले ने, तो जिते जाते हैं तो पीपे खाली कर देंगे, इस बारे किमें सोचते? देखो पार्टी का फैसला जी आया मनप्रीत बादल साहब न और पार्टी ने यह फैसला लिता है। मैनू यकीन है कि मनप्रीत बादल साहब पार्टी को तकड़ा ही करा, इस करके उस पास आए हैं। उन्होंने आप कहा कि मैं पंजाब के हितों की लड़ाई लड़ना चाहता, उन्होंने हमेशा पंजाब के हितों की लड़ाई लड़ी है, तो मैनू पूरी यकीन मैं कह सकता कि उन्होंने पंजाब के हितों की लड़ाई अज भी लड़नी है और इन्हे मनप्रीत बादल साहब के पार्टी में शामिल होने पार्टी को ताकत ही मिलेगी। जी थैंक यू।